नेट डाल दो, नेट डाल तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुके अपनी कोर न्यू वीडियो के साथ वापस। और आज अपना है भाई रैंक पुश का 21 मतलब 21वां दिन। और भाई एकदम खतरनाक वाला रैंक पुश होने वाला आज। तो तुम्हारा भाई आज दिखाएगा भाई पानी के अंदर भी सर्वाइवल लिया हूँ। क्योंकि भाई अरे हो देखो भाई दो दो बंदे उतर रहे सामने की तरफ, तो उनको पहले कुचलने की ट्राई करते हैं। क्योंकि देखो रैंक पुश में सबसे ज्यादा जरूरी है किल, क्योंकि जितना आप किल करोगे उतना ही प्लस होगा। तो आप जितना किल भाई साहब उसको गन ना लग जाए और मेरी पेटी ना बना दे, इसलिए मैं क्या करता हूँ फटाफट से कल्टी मार लेता हूँ, प्रिंस भाई को लेने के लिए चला जाता हूँ। अब यहाँ पे प्रिंस भाई को बैठा के आता हूँ और सामने की तरफ से एक बोट दिख जाता है। तो इस बोट को सबसे पहले नोक एंड फिनिश करेंगे, क्योंकि आप लोग को मैं पहले बता दिया हूँ कि जितना किल लोगे ना उतना ज्यादा ही प्लस होगा। तो किल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नहीं भाई कि किल के चक्कर में आप माइनस खा लो, समझे। अगले वाले मैच में मैं वही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ एक और बंदा मेरे को शेक के अंदर दिखता है, जिसको प्रिंस भाई ने हेड मार दिया था। और एकेएम का हेड मतलब के हेलमेट गायब बंदे का। उसके बाद फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। और इसका दूसरा टीममेट यहाँ पे नहीं हो, इसलिए हम लोग गाड़ी लेके रिकॉल लेने निकल लेते हैं। अब रिकॉल ले लेता हूँ, सामने की तरफ बंदे की फाइट हो रही थी, तो जाते हैं इनको बजाने के लिए। नॉक करता हूँ, तभी पीछे से एमजी चलती है और हम दोनों को नॉक कर देते हैं। बट डुओ में तो दो ही बंदे होते हैं, दोनों के दोनों बंदे मतलब नॉक हो रखे हैं, तो रिवाइव तो कोई करने वाला था नहीं। तो ये बंदा फिनिश भी कर देता है और बचने का कोई चांस भी नहीं था, तो इसलिए चांस लेते भी नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ कैम्प करते रहते हैं। अभी मैच यहाँ पे खराब हो चुका था, हम लोग आते हैं शेल्टर पे लूट वूट करते हैं। सामने की तरफ बंदे बंदे रहते हैं जो फिलर चला रखे थे, तो वो हमारे को डैमेज वेमेज कर रहे थे। मेरी लेवल 3 की वेस थोड़ी सी डैमेज कर दी थी, तो मैं चेंज करने जाता हूँ। तभी शेल्टर में क्या होता कि नीचे की तरफ से एक बंदा आ रहा था, जिसका भाई हल्का सा मेरे को फुट आ गया था। अगर फुट नहीं आता ना, तो ये दो मतलब ये बंदा हम दोनों को इधर ही निपटा देता। अब देखो इसको बजाते हैं, भाई साहब ऐसे चुपचाप से आ रहा था जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो इस बंदे को हम नॉक करते हैं, मतलब फिनिश ही हो जाता है, क्योंकि सोलो ही बंदा था। अब इसकी पेटी फटाफट से हम लूट लेते हैं और इसके पेटी से स्कोप स्कोप मिल जाता है। तो चलो भाई अब इनको मारने की ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे उसको मैंने नॉक कर दिया, तो मेरे पास उड़न खटोला होता है, जिसका मैं यूज करता हूँ। और उड़ता हुआ सीधा उन बंदे को ऊपर पुश कर देता हूँ, और जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ये गलती की सजा मेरे को बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि भाई मेरे को किल चाहिए था, किल के भूखे में मैंने पुश कर दिया। प्रिंस भाई का मैंने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया, और ये नेड करने के चक्कर में जो मेरे से कभी होता नहीं मैं नॉक खा लेता हूँ। क्योंकि भाई कभी भी मेरे से ग्रेनेड कभी भी होता नहीं है, और मैं यहाँ पे नॉक खा लेता हूँ। मेरे को ये बंदे लोग फिनिश नहीं करते, प्रिंस भाई की लोकेशन पता रहती है, तो दोनों के दोनों बंदे सीधा प्रिंस भाई के ऊपर पुश कर देते हैं और प्रिंस भाई को भी ग्रेनेड से निपटा देते हैं। मेरे चक्कर में भाई प्रिंस भाई का भी गेम खराब हो गया, ये मेरी गलती थी, जिसके कारण अच्छे प्लस नहीं हुए, 18 प्लस हुए और ज्यादा प्लस हो सकते थे। दूसरा मैच लगाता हूँ, और मैंने अभी बताया ना भाई किल के चक्कर में माइनस भी हो सकते हैं। इन दोनों बंदों को हमसे पहले गाड़ी लग जाती है, अब इनको निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये बंदे लोग गाड़ी घुमाते हैं। देखते हैं फ्री में दो किल मिल रहे हैं, तो दो किल अपन क्यों ना ले लेते हैं। अब दो किल लेने की वजह से एक किल तो उनको मिलने वाला रहता है, क्योंकि मिलने वाला रहता बोला मिला नहीं है। और यहाँ पे प्रिंस भाई को उसने नॉक कर दिया, देखा कि एक और बंदे को मार देता हूँ, इसको निपटा के अपने भाई दो किल हो जाएंगे और इन दोनों का माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों बंदे किल लेने के चक्कर में अब इतनी गंदी तरीके से माइनस खाने वाले हैं, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि एक बार ये घर मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद देखो एक बार मेरे गन लग जाए, घर नहीं गन। अब गन जैसी लग जाता पहला वाला बंदा, यहाँ पे नॉक कर देता हूँ ड्राइवर साहब को। सवारी साहब कुछ कर नहीं पाते हैं, वो भी यहाँ से निकलने की ट्राई करे, जब तक मैं इधर से घूम के जाता हूँ और ये बंदे को निपटा देता हूँ। भाई साहब ये बंदे लोग हमारे को मारने के चक्कर में, हमारा माइनस करने के चक्कर में भाई खुद का माइनस खा गए। तो किल के भूखे मत बनो, आराम से खेलो, सर्वाइवल निकालो सबसे ज्यादा। उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ पे रिकॉल लेने के लिए आते हैं, और यहाँ पे भी हम मरते मरते बचे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बंदे बंदे थे। हम लोग यहाँ पे रुकते और आगे वाले घर में भग जाते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर एक बंदा ऊपर की तरफ कैम्प कर रहा था। तो मैं प्रिंस भाई दोनों एक साथ में जाते हैं, मैंने देखा चलो भाई अब बजाते हैं उसको। उस बंदे ने प्रिंस भाई को नॉकआउट कर दिया, तो देखो मैं क्या थोड़ा रुक के घुसता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि दोनों को एक स्प्रे में ना ले ले, इसलिए मैं थोड़ा रुक के घुसा और उस बंदे को नॉक एंड फिनिश कर दिया। अब फटाफट से यहाँ पे प्रिंस भाई को रिवाइव करता हूँ। सामने की तरफ से एक बंदा बचा हुआ था, ये नहीं भाई ये तो बोट भाई साहब है, तो इसको सबसे पहले निपटा देता हूँ।
बंदा होता तो गाड़ी लेके इधर से कल्टी मार लेता। अब यहाँ पे मैं उड़न खटोला यूज करके आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बच रहा था जिसको मार के हमारे को किल लेना था। तो मैं उड़न खटोला यूज करके आता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये बंदा आगे की तरफ भाग गया था, वो भी उड़न खटोला यूज करके। तो ये ऊपर की तरफ ही चढ़ा रहता है, तो मैं इधर से एंगल बनाने की ट्राई करता हूँ। बाद में बंदे को थोड़ा सा नेड़ से डैमेज था, तो चलो भाई अब बजा देते हैं उसको। अब इस टेम्पल पे लास्ट ही बंदा बचा हुआ था, इसको हम निपटा देते हैं, भर के यहाँ पे लूट उट करते हैं और गाड़ी लेते सीधा जोन के लिए रवाना हो जाते हैं। जोन में आके हम लोग इस साइड में लेट जाते हैं, और मुझे पता था कि जोन के बाहर से बंदे बंदे आएंगे, तो प्रिंस भाई को मार करता हूँ कि इस साइड में ध्यान रखना। तभी एक बंदा मेरे को दिख जाता है जोन के बाहर से आता हुआ दिख जाता है, तो इसको निपटा देता हूँ। फिर मैं उस साइड में आगे जाता हूँ चेक करने के लिए, तभी सामने की तरफ मुझे नीचे एक गाड़ी लगी हुई दिखती है, और गाड़ी के साथ एक बंदा भी दिख जाता है कि वहीं पे वो हिलडोल कर रहा था। मैंने देखा रुको भाई थोड़ा सा रुक जाए वो, तब बजाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो रुकता है, तो देखो अब बजाते हैं उस बंदे को और इसको नॉकआउट कर देते हैं। नॉकआउट करने के बाद सीधा उनके ऊपर करता हूँ पुश, मतलब पुश कर देते हैं। प्रिंस भाई को गाड़ी लेके भेज देता हूँ, प्रिंस भाई 1v1 निकाल लेते हैं एक बंदे से, और दूसरे वाले मारने की बारी मेरी थी, क्योंकि एक किल तो मैं लेता हूँ, एक किल प्रिंस भाई लेते हैं, ये तो है ही भाई। तो दूसरा वाला मेरे तरफ ही पीट कर रखा था, तो इसको मैं निपटा देता हूँ। अब इसको निपटाने के बाद इसकी पेटी वेटी थोड़ी सी लूट उट करता रहता हूँ, तभी यहाँ पे AMR मार रहा था कोई बंदा, तो उसको अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले पेटी वेटी लूट ले, क्योंकि जोन में भी जाना, ये बंदे लोग जोन में नहीं थे, तो इनकी पेटी वेटी लूटते हैं और जोन में जाना रहता। तो हम लोग इधर से गाड़ी उठाते हैं, सीधा उड़ाता हुआ गाड़ी को जोन के अंदर लेके चल जाते हैं। और उनकी तो फाइट चल रही थी UMP वाले ने, अभी अभी वहां पे एक बंदे को निपटाया। मैंने देखा चलो भाई बाद में अपन उनको भी निपटाएंगे, क्योंकि 12 बंदे अलाइव है, बहुत ज्यादा बंदे हैं, और जोन भाई पानी के साइड में बन गया, तो यहाँ पे भी एकदम खतरनाक वाला फाइट लेने की ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, गाड़ी लगाता हूँ, चुपचाप से आके यहाँ पे लेट जाता हूँ, और पीछे की तरफ से बंदे बंदे आ रहे थे जो गाड़ी लेके जोन के अंदर जा रहे थे, जिनको हम थोड़ा सा मारने की ट्राई वराई करते हैं, जिससे कोई मतलब था नहीं। अब प्रिंस भाई ज्यादा मारने के चक्कर में खुले में आ गया था, और पीछे इस वाला बंदा प्रिंस भाई को नॉक कर देता और फटाफट से फिनिश भी कर देता है। इस बंदे ने भाई प्रिंस भाई को नॉक भी कर दिया और फटाफट से फिनिश भी कर देते हैं। इस बंदे को फटाफट से मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया, उसके बाद हील वील करता हूँ और यहाँ पे लूट उट करता हूँ। और मेरे को जोन में जाना था, सामने की तरफ फाइट वाइट चल रही थी, तो मैंने देखा थोड़ा सा किल विल निकाला जाए। एक को नॉक करता हूँ, दूसरे वाले को हेड दिया था, लेकिन ज्यादा कुछ होता नहीं है। एक और रैंडम स्प्रे देता हूँ, कहीं मेरा किल कंफर्म हो जाए, तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी एमओ लेता हूँ और गाड़ी लेता हूँ सीधा पानी में। सीधा प्रिंस भाई बोलते हैं पानी में जाके डाल दो गाड़ी को, ठीक है। अब पानी में यहाँ पे गाड़ी डाल देता हूँ, कूप रहते तो आप लोग को पता भाई कूप ऊपर के साइड में आ जाती, थोड़ा बहुत किल विल निकालने की ट्राई करूंगा। अब यहाँ पे ये बंदा गाड़ी लेके जाता है और इनकी आपस में फाइट वाइट हो जाती है, तो इनको भी थोड़ा सा मारने की ट्राई वराई करते हैं अपन। अब यहाँ पे भाई गाड़ी वाड़ी फोड़ ना दे, इसलिए थोड़ा सा डर रहा था मैं, और सामने वाले बंदे को यहाँ पे इस बंदे ने निपटा दिया। अब इनको भी मारने की बारी मेरी थी, तो मैं थोड़ा सा डैमेज करने की ट्राई करता हूँ। मेरी लोकेशन इनको पता नहीं रहती, लेकिन मैं खुद ही अपनी लोकेशन बता देता हूँ। और इस मैच में थोड़ी सी मैंने ग्रेनेड वाली गलती कर दी, वो भी देख लेना आप कैसे मैंने कर दी थोड़ी सी गलती। अब इसको थोड़ा सा डैमेज दिया, बाद में इसको नॉकआउट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले बंदे गाड़ी वाड़ी फोड़ के, मतलब धुआं हुआ निकाल दिए थे, जिसके कारण मेरी थोड़ी सी फट रही थी कि भाई गाड़ी फूट गया तो मैं वैसी मर जाऊंगा, और जो मैं सोचता हूँ भाई वही होता है, क्योंकि भाई गाड़ी फूटने की वजह से ही मैं मर जाता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रेनेड और मोली मेरे पास रहते हैं, मैं यहाँ पे जैसे ही करने की ट्राई करता हूँ, यहाँ पे एग्जिट हो रहा था, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो भाई मोली कर देते हैं। अब मैं पहले आई बटन से कुक कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा कोई सीन था नहीं, ये मैं बार बार सोच ही नहीं पा रहा था कि भाई पहले आई बटन से नहीं करना है, पहले मोली को कुक करना है, उसके बाद आई बटन से उसको फेंकना है, जो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ पे मैं आई बटन वाले के सीन में था, अब यहाँ पे मैं ग्रेनेड भी ऐसे ही कुक करता हूँ और ऐसे फेंक देता हूँ। भाई मैं अगर ढंग से फेंकता ना ग्रेनेड आई बटन से, तो फूट उड़ भी सकते थे बंदे, लेकिन दो ग्रेनेड में ऐसे ही ट्राई करता हूँ, बाद में एक ग्रेनेड तो जाता है, लेकिन जब तक बंदे को मेरी लोकेशन पता चल जाती है और बंदा मेरे को नॉकआउट कर देता है। अब गाड़ी फोड़ देता जिसका मेरे को डर था, बंदा तो नॉक हो गया, लेकिन गाड़ी फूटने की वजह से मैं फिनिश हो गया। मैच बहुत अच्छा था, क्योंकि प्लस बहुत ज्यादा मिले थे, 36 प्लस मिले थे, अगर इनको निपटा देता तो और ज्यादा प्लस मिल सकते थे, क्योंकि तुम्हारे भाई के किल बहुत ज्यादा थे।
तो लेकिन क्या ही कर सकता हूँ यार, बाद में मैं निपट ही जाता हूँ। अच्छे खिलते 8 खिलते लेकिन क्या ही कर सकता हूँ। तो यही था गेम प्ले आज का जो भी था। तो लाइक कर देना वीडियो को, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप लोग को मैं रैंकिंग दिखा देता हूँ, अभी रैंकिंग अपनी कितनी चल रही है। डुओ में तो 5921, मतलब अपन 6000 के अंदर आ चुके हैं। तो जल्दी से ट्राई करेंगे अपन फटाफट से 500 के अंदर आने की भी। लो मैं थोड़ी सी मेहनत करके कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, मिलते कल 7 बजे एक और बुमबार धमाकेदार गेम प्ले के साथ। तब तक लिए अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, तुम्हारे भाई का चैनल का भी ध्यान रखो। तो मिलते कल 7 बजे। लव यू, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, चैनल को सब्सक्राइब करके जा।